हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल फ्री वेजिटेबल ऑयल्स के हवाले से। हर किस्म का वेजिटेबल ऑयल, जिस तरह पाम ऑयल, ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा, इनमें से किसी भी ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जी हाँ, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वेजिटेबल सीड से या फिर उनके लीव्स से, और वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। इसके बरक्स जो एनिमल फैट से बनने वाले घी हुए या ऑयल्स हुए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट से बनने वाले ऑयल्स या घी हुए, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अब ये एक अलग बहस है कि हमें ज्यादा कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल्स को करना चाहिए या फिर एनिमल फैट से एक्सट्रैक्ट होने वाले ऑयल्स को करना चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स। मगर अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए कंसर्न है तो वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और अपनी कमर्शियल मार्केट को चलाने के लिए इन ऑयल्स के लेबल्स पे ये लिखा होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लेकिन वेजिटेबल सोर्स से निकलने वाला हर ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री ही होता है। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार बात, एनिमल बॉडीज जिसमें इंसान भी आते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है कोलेस्ट्रॉल को। हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है, और इस कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन हमारे बहुत से ऑर्गन्स, बहुत से वाइटल फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट बैड कोलेस्ट्रॉल होने की एक बहुत बड़ी वजह, एक्चुअली सबसे बड़ी वजह आपका बैड लाइफस्टाइल है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते और आप ऑलिव ऑयल भी कंज्यूम कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, जिसमें आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सरसाइज रिजीम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैवी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को बस मूवमेंट की आदत डालें, हर वक्त एक्टिव रहें। ये सब फैक्टर्स, और इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाते हैं, और इवेंचुअली हमारा वो लिवर, हमारी वो बॉडी जो गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अब वो गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत से हार्ट डिजीजेस का शिकार होते हैं, और बहुत दफा ब्रेन स्ट्रोक की भी एक बड़ी वजह बैड कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में ज्यादा होना है। अब अगर ये बात की जाए कि आप लोगों को एनिमल फैट सोर्सेस से या डेयरी सोर्सेस से ऑयल्स या देसी घी इस्तेमाल करने चाहिए अपनी एवरीडे लाइफ में, या फिर वेजिटेबल ऑयल्स यूज करने चाहिए, देखें कोलेस्ट्रॉल का मौजूद होना आपकी डाइट में इज इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, और बहुत से न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी एनिमल सोर्सेस को इस रेस में जिता देती है। एनिमल सोर्सेस से मिलने वाला फैट बहुत ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल्स। लेकिन इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट कोलेस्ट्रॉल, फील फ्री टू यूज एनी वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन आपको कुछ और हेल्थ कंडीशन से सफर करा सकती है। सो जस्ट मेक श्योर व्हाट एवर यू आर टेकिंग इज इन अ मॉडरेट अमाउंट, इज इन एन अमाउंट दैट्स रिकमेंडेड टू यू बाय अ प्रोफेशनल। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकन। You can get notified whenever I upload such informative videos. Thank you. Take care. Allah Hafiz.